कितनी ब्यूटीफुल, सिर्फ चेहरे से ही नहीं दिल से भी। बाबा मैं थोड़ी देर के लिए आपकी छड़ी और चश्मा ले लूं, ये थोड़े पैसे रख लीजिए आप। हाँ मैं अभी वापस आता हूँ। चांस मत ले, मर जाएगा, वो नहीं आएगी। सड़क पर ऐसे बहुत मरे, लड़कियां नहीं आती। अरे उसका ध्यान नहीं गया तो फिर जाएगी। आ रही है। कहाँ जाना है आपको? वैसे आप कहाँ जा रही हैं? जी जरा रास्ता तो क्रॉस करा दीजिए। हाँ आइए ना। ओह मेरा पैर। लेकिन मैंने तो आपका हाथ पकड़ा है। ओह अंधा होना दिखता नहीं, जरा ठीक से पकड़े ना हाथ। ओह जरा देख के। अच्छा तो आपको दिखता नहीं है? हाँ बिल्कुल, सामने का वो पेड़ आपको दिख रहा है? हाँ। मुझे नहीं दिख रहा है। क्या? हाँ सच कह रहा हूँ मैं, वैसे ये रंग आप पे बहुत अच्छा लगता है नथनी के साथ। तुम्हें देखकर रहा नहीं गया। I'm sorry. चलते हैं। ये अच्छे क्या पाएगा? वाह। I'm not. क्यों राजकुमार, किधर खो गए? माँ कहती है कि राजकुमारी ऐसी लगनी चाहिए जिसे देखते ही मन में झांझर बजने लगे। ये मेरे तरफ से। आप मेरे पैसे लीजिए वरना आइसक्रीम वापस ले लीजिए। ऐसी भी क्या बात है? मैं तो सिर्फ छोटी सी ट्रीट दे रहा था आपको। हाँ दी, जल्दी आओ। अरे मजा आएगा, जल्दी आना। देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आई एम सम्राट, आपका नाम? अरे अरे क्या हुआ, बुरा मान गए क्या? ओके नो प्रॉब्लम। आरती हाय हाय राजू, हाथ पकड़ो ना, वो लड़का पीछे पड़ा है। हाँ चलो। राजू कहाँ थे इतनी देर, कितना मिस किया मैंने तुम्हें। ओके लेकिन तुम कहाँ थी चंपा, वैसे हाथ पकड़ने का बहाना अच्छा है। बहाना नहीं, वो चला गया। थैंक यू। होता है, कभी अंधे को तुमने बचाया, कभी लड़की को मैंने बचाया। हाथ छोड़िए ना मेरा। मैंने कहाँ पकड़ा है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है। थैंक यू अगेन राजू, या जो भी तुम्हारा नाम। शौरत, शौरत है मेरा नाम। वैसे तुम्हारा नाम क्या है चंपा? शिवानी। शिवानी, शिवानी कहाँ थी तुम? हाँ, चलो ना, चलो। बाय। बाय। नाटक करके निकल गई। कौन है ये लड़की? शिवानी है, मिसेस चौधरी की पोती। ओ, तो राजपूत खून है इस खूबसूरती के पीछे। इनकी हवेली हमारे यहाँ गिरवी, इट मींस फैमिली फ्रेंड्स।
इरादा क्या है? और क्या, शिकार? क्या बात है, तुम्हें इतनी खुशी इस नए शहर में आने से तो नहीं हो सकती, जरूर कोई खास बात होगी। नहीं नहीं कुछ नहीं डैड, आप यही थे, मैंने तो सोचा कि मैं यहाँ अकेला हूँ। कैसा रहा आपका पहला दिन? तुम्हें इस मूड में देखे जमाना हो गया। आपकी नई टीम कैसी है, दम है कि नहीं, प्लेयर्स अच्छे हैं कि नहीं? देखो बात टालने की कोशिश मत करो और मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या खास बात हुई। डैड कभी कभी एक अकेले पेड़ को हवा का झोंका छू कर निकल जाता है। झोंका तो अपनी राह पे चलते चलते निकल जाता है, लेकिन पेड़ को पल भर एहसास होता है कि वो सांस ले रहा है। ओहो हो हो हो, ये तो जबरदस्त झोंका होगा जिसने तुझे मैकेनिक से कवि बना दिया। मिसेस चौधरी से मिलना। जी वो अंदर है। अच्छा है, ये देखिए। ठाकुराइन साहिबा। हाँ। नमस्ते मिसेस चौधरी। नमस्ते। सॉरी हम बिन बुलाए ही आ गए। आपको बुलाने की क्या जरूरत है, बैठिए। लेकिन मैं समझी नहीं। आप अभी समझ जाएंगी। हमारा बेटा सम्राट आपकी बेटी शिवानी को बहुत पसंद करता है। मिसेस चौधरी, मैं ठाकुर शमशेर सिंह आपकी पोती शिवानी के लिए मेरे सुपुत्र सम्राट सिंह का रिश्ता लेकर हाजिर हुआ। लेकिन शिवानी से एक बार हमारा सौभाग्य है सिंह साहब, हमें रिश्ता मंजूर है। तो अपना मुंह मीठा कीजिए और समधन बनने की तैयारी शुरू कीजिए। शिवानी लो आ गई। आ गई। मुबारक हो बेटी, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। मम्मी शर्माओ मत बेटी, सबको प्रणाम करो। तू ऊपर जा, बाकी बातें बाद में करेंगे। सुमन आप फिक्र ना करें, शादी की सारी जिम्मेदारी हम संभालेंगे। बिल्कुल परी सी लग रही हो। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मम्मी ये सब ज्वेलरी चुभ रही है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। शुरू में सब अजीब सा ही लगता है बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं तुमसे भी छोटी थी। लेकिन माँ मुझे। शिवानी सम्राट तुम्हें बहुत चाहता है बेटा। लेकिन मम्मी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। जैसा लड़की चकोरी, अल्लाह सलामत रखे दोनों की जोड़ी है। सोने का पलंग बनाना, बिस्तर पे तारे बिछाना, चंदा की जोड़ी में बिठा के दुल्हन को तुम्हारे जाना, ताकि डोली में बिठा के दुल्हन को तुम्हें जाना। सोने का पलंग बनाना, बिस्तर पे तारे बिछाना, चंदा की डोली में बिठा के दुल्हन को तुम्हें जाना। सोने का पलंग पुराना, डोली का गुजरा जमाना, दुल्हन को बाहों में ले जाएगा ये दीवाना, दुल्हन को बाहों में उठा के ले जाएगा ये दीवाना।
जीरो जेब में खाली प्रेम कहानी है। देखो मेरे दिल को देखो, चुपके अकेले में तुम हमसे मिलके देखो। तू कैसा छेड़ा पहले पे पहला, तू सब कुछ पर प्यार है मेरा पहला। वो कौन है बोला, वो तेरी एक सहेली, पर कैसी है वो, लाखों में एक अकेली। जो वो न माने तो उससे पूछ के देखो, उसकी सूरत पे लिखा है मेरे प्यार का अफसाना। सोनी का पलंग बनाना, बिस्तर पे तार बिछाना, चंदा की डोरी में बिठा के दुल्हन को तुम ले जाना। चंदा की डोली में बिठा के दुल्हन को तुम ले जाना। ओए होए लड़का है चंद जैसा, लड़की चकोरी, अल्लाह सलामत रखे दोनों की जोड़ी। अरे लड़का है चंद जैसा, लड़की चकोरी, अल्लाह सलामत रखे दोनों की जोड़ी। अच्छा अच्छा, तेरा प्यार अगर है सच्चा, हम लड़की से पूछ के कर देंगे ये रिश्ता पक्का। हाँ लड़की की बंद जुबा है, इसका मतलब हाँ है। लगता है हाना के बीच में लड़की तेरी जान है। चल मेरी बल्लो, ये शर्म छोड़ दे, दिल तोड़ दे, दिल को जोड़ दे। आँखों में इंतजार है, ये दिल भी बेकरार है, इसी का नाम प्यार है। मुझको प्यार है, मुझको प्यार है। ये लाज तो हम देखवालो, रे जाने जाने छेड़ के इसको गाके ऐसा फिर निगाना। सोने का पलंग बनाना, बिस्तर पे तार बिछाना, चंदा की डोले में बिठा के दुल्हन को तुम ले जाना। चंदा की डोले में बिठा के दुल्हन को तुम ले जाना। चंदा की डोले में बिठा दुल्हन को तुम ले जाना। पापा पा रा 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 पा पा यूहू ला 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 पा रा 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 blow the red light, you don't have to blow the red light। ओ वो देखो हिरण। शिकार। सम्राट मत मारो ना, प्लीज प्लीज स्टॉप इट। गत बेचारे जानवर को, इसलिए कि वो बेचारा है, देखो कैसे भाग रहा है वो। ओह नो, भागो। चलो जल्दी। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, लीव मी। रुक जाओ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इनको। आप बीच में बताइए साहब जी, ये जानवर हमारे लिए देवता है। शिकार ये करते हैं और गोली हमारे सिरे पर लगती है साहब जी। माफी मांगो इनसे। हम राजपूत हैं,
शिकार करना हमारे पुरखों का शौक है। और ये बिश्नोई हैं, जानवरों को बचाना इनका सदियों से धर्म है। मैं माफी नहीं मांगूंगा। सम्राट मांग लो ना माफी प्लीज। ठीक है मान लो माफी मांग ली। हाँ माफ कीजिए। बात है फिर कोई पीछे पड़ गया? आपने मेरी मदद की, दो बार जान बचाई। मैंने जब माँ से कहा तो उन्होंने आपके लिए केक बनाया। लेकिन आप यहाँ क्यों आई? मैंने बताया ना आपके लिए केक लेकर आई हूँ। तो रख दो वहाँ पर। जी सुनो, मैंने पूछा तुम यहाँ क्यों आई हो? बता तो दिया आपके लिए केक ले आई हूँ। मैं बताऊँ तुम यहाँ क्यों आई हो? जिस पल से तुमने मुझे देखा तुम मेरे ही बारे में सोच रही हो। कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी सगाई हो चुकी है। वही तो अफसोस की बात है। क्या मतलब? देखो अगर तुम सच मानने को तैयार नहीं हो तो ये केक नहीं चाहिए, तुम जा सकती हो। हाथ हो गई। एक तो मैं थैंक यू कहने आई हूँ और आप है कि देखिए ये केक आपके लिए बना है और आपको खाना ही पड़ेगा। सुनो हाँ। माँ से कह देना बहुत पसंद आया। रेगिस्तान में ये फूल कभी कभी खिलता है, जैसे तुम जैसा चेहरा कभी कभी मिलता है। ये तुम्हारे लिए। तुम्हें देखे बिना रहा नहीं गया इसलिए चला आया। ये जो मोहब्बत है। मैकेनिक क्लासरूम में घुसकर शिवानी को फूल दे गया, वो भी सबके सामने। ए! रुक जा! भक्त कहाँ है? अब तो मैं तेरे कल पुर्जों की भी ऐसी की तैसी किए देता हूँ। Ah!
से क्या हो रहा है? तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? चलो छोड़ो उन्हें। क्या करो तुम छोड़ो? क्या कर रहे हो? चलो वाला को जाओ। क्या करो तुम छोड़ो? सम्राट तुम छोड़ो की जान लोगी क्या? शुक्र मनाइए सर, अभी गाड़ियां ही तोड़ रहा हूँ। मेरी शिवानी की तरफ नजर उठाना तो दूर, अगर किसी ने उसके बारे में सोचा भी तो मैं उसकी जान ले लूंगा। अरे किस जमाने में रहते हैं ये सब? सगाई हुई होगी इसके माँ बाप की शिवानी के दादी और माँ के साथ। चुप! अरे उसका दिल हासिल करके दिखा, तब मैं मानूंगा कि शिवानी तेरी मंगेतर है। शौरत! अल! अल के लियो! शौरत! शौरत चुप रहो। और सम्राट तुम भी काबू में रहो। मुझे मुझे यकीन नहीं आता तुम किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी कर सकते हो। वो उसकी मंगेतर है, सगाई हो चुकी है इनकी। सम्राट प्लीज तुम यहां से जाओ, मैं शौरत की तरफ से माफी मांगता हूँ। डैड! शौरत प्लीज कीप क्वाइट। सर मैं आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए आज जा रहा हूँ, अगर ये अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा तो मुझे आपका भी लिहाज नहीं रहेगा। नतीजे के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आपने उसे माफी क्यों मांगी? मैं तुम्हारी इन हरकतों पर हैरान हूँ, आज मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया। तुम जीप लेके क्लासरूम में चले गए उसको कैक्टस देने के लिए, किसी को फूल देना मैं समझता हूँ, लेकिन ये कैक्टस का क्या मतलब हुआ? मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया है। तुम हर काम हमारे आपस की बात है। तुम्हें कॉलेज में और भी लड़की मिली? अगर शिवानी मुझे नहीं जानती मिली तो मुझे खुद बता सकती है। शिवानी 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 वो किसी और की है, वो सम्राट की मंगेतर है। शिवानी मुझे चाहती है, मुझे, और वो मेरी होकर रहेगी, देख लेना। अगर ये सब फूल तुम्हें कम लगे तो एक और फूल मैं खुद ले आया हूँ। ये क्या छुपा रही हो तुम? कुछ नहीं। यही लेकर आया था वो मैकेनिक तुम्हारे लिए आज कॉलेज में? उस चवन्नी क्लास की इतनी हिम्मत? हाँ मुझे सब मालूम पड़ा है, इस चीज की जगह इन फूलों के बीच नहीं। गमला टूट गया। ओ डोंट वरी शिवानी, शाम तक पैर भी टूट जाएंगे। तुम मेरी हो, हमारे खानदान की इज्जत हो। हिम्मत तो देखो उस लड़के की, सबके सामने हमसे टक्कर लेने की कोशिश की है, बचेगा नहीं वो। हिल पे फॉर नहीं सम्राट, तुम कुछ मत करो, तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे समझा दूंगी। तुम उससे बात नहीं करोगी? मैं समझा दूंगी, वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। ठीक है अब चलता हूँ मैं। शहरत मैं ये वापस करने आई हूँ, आगे से मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मैंने कहा था ना तुमसे मेरी सगाई हो चुकी है, पर तुम समझे नहीं। शौरत सुना तुमने मैंने क्या कहा? शौरत ये वापस ले लो। इसे मैं यहां रख रही हूं शौरत। शिवानी शिवानी तुम्हारी चीज लौटाने आया था मैं। कहते हैं किसी का दिया हुआ तोहफा कभी वापस नहीं करते। शरत प्लीज। देखो शिवानी, परसों बात गिरी है इस चलते सहरा पर ऐसी बारिश, शायद यही बताने आई है कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। हाँ देखो, इस खुले आसमान में पंछियों की तरह उड़कर, आजाद पंछियों की तरह उड़कर, हाँ इन तेज हवाओं में अपनी जुल्फों को लिपट जाने दो शिवानी। शौरत तुम जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया तो। जब तुम डरती हो ना तो बहुत अच्छी लगती हो। शौरत तुम जाओ। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा तोहफा संभाल के रखना और बारिश का दिल ना तोड़ना।
बॉल दे दो शौरत। बॉल चाहिए? आकर ले लो। पास कर दो। पास? कभी नहीं। अरे जिंदगी में हर चीज इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है। कुछ भी हासिल करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत? तुम में हिम्मत कहाँ? अच्छा लेकर दिखा दूं? Sure, I'm ready. जिसे जो खेल खेलना नहीं आता ना उसे वो खेलना भी नहीं चाहिए। थोड़ी सी चोट भी सह नहीं सकती हाँ बेचारी। शौरत आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल मत छोड़ना। एक बार मैं तुम्हारे हाथों में आ जाऊँ ना तो बिल्कुल मत छोड़ना। हिम्मत तो है तुम्हें। तुम्हारे बारे में एक बात बताऊं? बताओ। जो शायद तुम खुद नहीं जानती। क्या? तुम अपनी सगाई तोड़ने वाली हो। जानती हो मां ने तुम्हें यहां किस लिए बुलाया है? अपनी होने वाली बहू को शादी के जोड़े में सजाने के लिए। जिस पल से मैंने तुम्हें देखा मैंने यही चाहा कि मैं तुम्हें अपना बना लूं और जिंदगी भर तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकूं। लेकिन तुम तो मुझसे कभी कुछ मांगते ही नहीं। शिवानी, शिवानी सुनो तो। शिवानी क्या बात है? शिवानी मेरी बात तो सुनो। देखो शिवानी तुम ऐसे नहीं जा सकती। मेरी बात सुनो शिवानी। शिवानी और बताओ तुम्हारे मन में क्या है? आज फैसला होकर ही रहेगा। चलो शिवानी, आज हम और तुम ईश्वर के सामने कसम खाते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे को चाहेंगे। नहीं सम्राट, नहीं। सच तो यह है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और बिना चाहत की शादी का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। अभी भी वक्त है सम्राट। एक गलत फैसले से हम दोनों जिंदगी भर पछताएंगे। ये सगाई, ये रस्में, सब कुछ एक जबरदस्ती थी मुझ पर। मैं शौहरत से प्यार करती हूँ। उस मैकेनिक से? बहुत प्यार करती हूँ उससे। I love him. उस मैकेनिक के लिए तुम मुझे ठुकरा रही हो? मैं वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। वो हम जैसे बड़े लोगों में उठना बैठना चाहता है। उसके लिए मैं तुम्हारी नफरत समझ सकती हूँ लेकिन सम्राट मैं उससे प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। जाओ सम्राट, ईश्वर के आगे आज मैं तुम्हें इस रिश्ते के बोझ से मुक्त करती हूँ। शिवानी, कैसे ढूंढ लिया? आसमान की तरफ दिल को फेंका और मेरे कदम मुझे यहां ले आए। तुम्हें पता है जब भी तुम मेरे पास आते हो मेरे दिल की धड़कन मुझे पहले ही बता देती है। तुम्हारे डैडी ने बता दिया था कि
कि तुम अक्सर यहाँ आते हो। ये देखिए गहने। सम्राट बेटा जरा आके देखो तो, राधे श्याम जी ने कितनी खूबसूरत चीजें बनाई हैं शिवानी के लिए। अब तो मैं बेचैन हो रही हूँ शिवानी को ये सब पहनते हुए देखने के लिए। कहाँ है शिवानी, आई नहीं अभी तक? हाँ वो आई थे लेकिन उसे कहीं जाना था। सब यहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आया। सुना है तुमने सम्राट की अंगूठी लौटा दी है, शाम को वापस ले लेना। मम्मी मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया है। शिवानी अंगूठियां लौटाने से रिश्ते नहीं टूट जाते, और वैसे भी रिश्ता वही तोड़ सकता है जिसने रिश्ता मंजूर किया, और रिश्ता मंजूर करने वाली का नाम शिवानी चौधरी नहीं मिसेज देवयानी चौधरी है। लेकिन जिसका रिश्ता है उसका नाम तो शिवानी चौधरी है ना? शट अप शिवानी। शौरत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस मैं तुम्हें देखना चाहता था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। शौरत तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या बात है, दाढ़ी क्यों निकाल दी? शिवानी क्या तुम अपनी सारी जिंदगी एक मैकेनिक के साथ गुजारोगे? दिल का अच्छा हो, शक्ल सूरत भी ठीक ठाक हो तो मुझे कोई खास एतराज नहीं। नहीं नहीं शिवानी मुझे कुछ बनना ही पड़ेगा। तुम्हें तो महल में रखना है राजकुमारी की तरह। मेरे शौक की वजह से तुम्हारी ये डिमोशन मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम जरूर कुछ बनोगे मैं जानती हूँ, लेकिन मैं हमेशा इसी शौरत से प्यार करूंगी जो फटी हुई जीन्स पहनता है, जिसके हाथों में काली ग्रीस लगी हो। कभी अपनी जीन्स लॉन्ड्री में मत दे देना। उन्हें साफ करके खराब कर देंगे। कभी नहीं देखे। बंद घरों में सितारों की जगह अक्सर पंखे दिखाई देते हैं ना, शायद इसलिए।
आ गई, नजर मिल गई, कल मिल गई, कसम खा गया, जी हो गया, अरे हो गया, अरे हो गया, अरे हो गया, अरे हो गया। से हो जाता है ये ना जाने कब हो जाता है, ये सबको हो जाता है, हमको भी ये प्यार हो गया। लगा है दिल ऐसे मेरा धड़का, दिल ऐसे मेरा धड़का, बैठे पानी में देखो शोला कोई भड़का, हाय शोला कोई भड़का। पहले गया ये दिल अब जा भी जाएगी, ना चैन आएगा ना नींद आएगी। बस जा मेरे दिल में समा जा, लव यू हमेशा मेरे बाहों में आजा। ये कैसे हो जाता है ये ना जाने कब हो जाता है, ये सब तो हो जाता है, हमको भी प्यार हो गया। आंखों में बस जा मेरे दिल में समा जा, लव यू हमेशा मेरे बाहों में आजा। छुपके छुपा के आधी रात को मैं जागी, आधी रात को मैं जागी, घर से निकल आई तेरे संग भागी। ना डर किसी से तुझे सीने से लगा लूंगा, देखे ना कोई तुझे आंखों में छुपा लूंगा। बैंड बाजा और कैसे बाराती, मैं और तू हम है बेबे जन्मों के साथी। आंखों में बस जा मेरे दिल में समा जा, लव यू हमेशा मेरे बाहों में आ जा। ये कैसे हो जाता है ये ना जाने कब हो जाता है, ये सब तो हो जाता है, हमको भी प्यार हो गया। आँखों में बस जा मेरे दिल में समा जा, लव यू हमेशा मेरे बाहों में आ जा। रानी साहिबा, आज हम तुम्हें अपने महल में ले जाते हैं, आ जा। चलो आ जा। चलो अंदर आओ। मुझे तैरना नहीं आता। घबराओ मत। नहीं शौरत। सुनो, मेरी आंखों में देखती रहना तो तुम्हें तैरना भी आ जाएगा। Ha ha ha!
चलो 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 लेट्स गो चलो जल्दी जल्दी चलो भागो चलो चलो कितना मजा था एक साथ जिंदगी में इतना मजा तो पहले कभी नहीं आया सच इधर आओ मेरी जान डर लगता है कि कुछ हो ना जाए कभी कभी तो लगता है कि ये सब एक सपना है जब आंख खुलेगी तो टूट जाएगा ये सपना मैं सच करूंगा ट्रस्ट मी दिव्या हम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं और कसम से दिव्या मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी दिव्या क्या आई जस्ट लव यू ले आ गया तेरा एक्स राजकुमार दिव्या चलो ए उठ डैड करनी फोन मत रखना शोहरत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्या इस समय वो दो टके का मोटर मैकेनिक जेल की हवा खा रहा है नहीं ही इज अंडर अरेस्ट शिवानी आई एम सॉरी शिवानी कैसे हुआ ये सब इट्स शॉकिंग पर ऐसा होना ही था गंदा खून था किसी न किसी दिन तो असर दिखाना ही था लेकिन किया क्या है उसने सम्राट पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई उसे मैंने किया क्या है ये तो बता मुझे मियां तानसेन पूछ रहे हैं कि मैंने किया क्या है बच्चे तूने चादर से बाहर पैर पसारे बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं किया पुलिस वाले उसे मार डालेंगे सम्राट प्लीज उसे वेक अप शिवानी सम्राट इस शहर में तुम सबको जानते हो सब तुम्हारे इशारे पर चलता है अगर तुम एक बार बोल दो वो छोड़ देंगे उसे उसे बचा लो सम्राट सम्राट प्लीज तुम ही उसे बचा सकते हो उसे बचा लो सम्राट प्लीज होश में आओ शिवानी पागल मत बनो क्या होगा उसे बचा कर भी हां वो रातों रात बदल तो नहीं जाएगा ना यू आर सो गुड समझ में नहीं आता उसने तुम्हें किस तरह से फंसाया है ही इज नॉट वर्थ इट शिवानी वो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करके छोड़ देगा तुम्हें दूर हो जाओ उससे तुम दूर हो जाऊंगी उससे कभी नहीं मिलूंगी उससे लेकिन जब तक वो इस शहर में है जब तक वो इस शहर की जेल में है मैं जी नहीं पाऊंगी सम्राट मैं जी नहीं पाऊंगी उसे बचा लो मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी अबे उल्टा लटकने से थोड़ा बहुत खून तुम्हारे खाली दिमाग में पड़ जाएगा और उससे तुम्हारी अक्ल के बंद दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएंगे
और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि चादर देखकर पैर पसारते हैं मुन्ने। लेकिन याद रखना, ये फोन कॉल शोहरत को पुलिस से बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए है शोहरत से। Get out of this city now! चुप बातें करने लगा तेरे बदन से मेरा बदन, जीने लगा मैं मरने लगा, छू लिया मैंने तेरा बदन। आ मैं छोड़ के ये दुनिया तेरे दिल में समा जाऊं। देखो मैं रात भर फोन कर रहा हूँ, किसी को तो मालूम होगा कि वो शोहरत, डैड, अपने जख्म तक साफ नहीं किए। लेकिन लेकिन कहाँ ले गए थे तुम्हें, कहाँ कहाँ थे तुम सारी रात? मैं परेशान तो शोहरत। हाँ ये हाँ, तुम ठीक तो बैठिए। तुम्हें भी इतनी चोट लगी हुई बेटे। शोहरत I'm sorry, Dad. मेरे प्यार की कीमत आपको चुकानी पड़ी। नहीं बेटे, बेटे ऐसा कभी मत बोल ऐसा बेटे। ये क्या हाल कर दिया है तुम्हारा बेटे। मैं तंग आ गया हूं, मैं इस शहर से तंग आ गया हूं। हम यहां से सब कुछ छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। शहर को छोड़कर चले जाएंगे, मगर कसूर क्या है? क्या समझ रखा है उन लोगों ने? क्या उनके हुक्म से ही सब कुछ चलता है? मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, ना इस शहर को, ना सम्राट को, ना पुलिस वालों को। हाथ पे हाथ उठाया, खत्म कर दूंगा मैं सबको। जे भी लो। अरे इसके बगैर तो तुम्हारा काम अधूरा रह जाएगा। अगर इससे तुम किसी के सर पे मारोगे ना, तो उसका सर 100% फट जाएगा। खत्म कर दो सबको, मार डालो। जैसे उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है, तुम भी उन्हें अपनी ताकत दिखाओ। यही तुम्हारा फैसला है। सिर्फ एक रात जेल में गुजारने के बाद बदले के सिवाय तुम्हें और कुछ सोचना नहीं है। बेटे, तुम्हारा गुस्सा उतर जाएगा, लेकिन क्या हासिल होने वाला है इस मारपीट और पतले से? ये सब जिस वजह से हुआ था, तुम उसे सुलझाना नहीं चाहते हो। शिवानी से तुम प्यार करते हो। शिवानी के बिना जी नहीं सकता। बेटा, हम राजपूत हैं, हम उनके घर जाकर इज्जत से उनसे शिवानी का हाथ मांगेंगे। डैडी, ऐसा नहीं होगा, आप समझते नहीं। बेटा, विश्वास रखो, यही तरीका है, यही सही तरीका है। जब शिवानी तुमसे प्यार करती है तो वो क्यों इनकार करती है? आइए, अंदर आइए। बेटे हाँ, तुम कुछ मत बोलना, मैं सब संभालूंगा। पधारिए, आइए। माजी। हाँ। नमस्ते माजी। नमस्ते। माफ कीजिएगा, हम बिना इजाजत चले आए। आइए। आ बेटा। जब आप अंदर आ ही चुके हैं तो घर आए हुए मेहमानों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। कहिए क्या कहना चाहते हैं? अगर शोहरत की माँ होती तो वो मेरे साथ आती, लेकिन इसलिए हम दोनों खुद आए हैं शिवानी का हाथ मांगने। आपके बेटे की वजह से वैसे ही शहर में हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है, फिर भी आप शिवानी का हाथ मांगने आए हैं। और ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि शिवानी की मंगनी एक बहुत बड़े घराने में हो चुकी है। माँ जी, मैं नहीं जानता कौन बड़ा है और कौन छोटा, लेकिन मैं इन बच्चों की खुशी चाहता हूँ। शिवानी और शोहरत एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हाँ बाजी, शिवानी की खुशी के लिए ही ये मंगनी हुई है। और सिर्फ चाहने से तो जिंदगी नहीं चलती। जो सुख शिवानी को सम्राट दे सकता है, वो सुख तुम दे पाओगे? दादी माँ, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा शिवानी के लिए, अपने प्यार के लिए। मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है माजी, प्लीज। ठीक है, अगर तुम ये कहते हो
कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो तो मैं इंतजार करूंगी, मगर थोड़े वक्त के लिए। माँ जी, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा बेटा जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम दादी माँ, प्रणाम। मोटर मैकेनिक सिर्फ मोटर मैकेनिक ही रहेगा, वो कभी कुछ नहीं बन सकता। अगर उसका इंतजार करते रहे तो शिवानी सारी जिंदगी कंवारी रह जाएगी। शौरत, मत जाओ शौरत, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? तुम्हें मुझ पे भरोसा है और मुझे तुम पे। कुछ दिन कुछ महीनों की तो बात है। कम ऑन शिवानी, सिर्फ जीतने वालों को जीने देती है ये दुनिया, और देखना तुम, मैं जीत के आऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। लेकिन मैं तो अकेली रह जाऊंगी ना शौरत। अरे जब मर्द जंग पे जाते हैं तो राजपूत औरतें हंसते हंसते विदा करती हैं, है ना? चलो हंसो, हंसो, हंसो ना, हंस के बताओ। इस बांद्रा के एड्रेस पर पहुंचाना। अरे सुबह सुबह मुझे कोई चाचा कहे, मैं तो उसे किसी भी एड्रेस पे पहुंचा दूं। हेलो श्वेता, ओ माय बेबी, माय डार्लिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आई लव यू, आई लव यू। अरे शूटिंग के लिए बहुत लेट हो गया। क्या मिलना है घर में? अरे नहीं नहीं नहीं, घर में नहीं मिल सकता। एक काम करो, मेरी शूटिंग है मड आइलैंड में, तुम मुझे रास्ते में मिलो। ओके। क्या मम्मी को साथ? अरे यार तुम हमेशा मम्मी को साथ में क्यों लेके आती हो? मम्मी को घर में रखो अपने पापा के लिए। बाय, सी यू इन हाफ एन आवर। ओके। अरे कौन है? आपके लिए चिट्ठी है। आने दो यार, आने दो, आने दो, सबको आने दो। अरे जल्दी से कपड़े रखो गाड़ी में। सर दो मिनट आपसे। अब मेरे पास दो मिनट ही है, फोटो खिंचवा और जाओ। नहीं नहीं सर। ऑटोग्राफ चाहिए, पेन निकालो। जी नहीं सर, आपके जयपुर के दोस्त है ना मिस्टर बंसल, उनकी चिट्ठी लेकर आया हूँ मैं। आप पढ़ेंगे? बंसल का बच्चा 8 आदमी भेजता है हफ्ते में नौकरी के लिए। गाड़ी चलाना जानते हो? जी नहीं, वो काम नहीं चाहिए। किचन में खाना पकाना जानते हो? जी नहीं, आप समझे नहीं। गार्डनिंग जानते हो तो गार्डन में पानी वानी दे दो। नहीं सर वो काम नहीं चाहिए। काम करो मेरे बाप, मैं शूटिंग के लिए वैसे ही लेट हो रहा हूँ, मेरी जगह शूटिंग पर तुम ही चले जाओ, डेविड धवन मेरा वैसे ही बैंड बजाने वाला है, जाओ। हाँ जरूर, वही तो चाहता हूँ, मैं एक्टर बनने आया हूँ। एक एक फिल्म दिला दीजिए ना सर। आओ, तुम मजाक कर रहे हो कि सच बोल रहे हो? आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? देखो तुम शक्ल से मासूम और शरीफ दिखते हो, ये मुंबई नगरी है, यहाँ पर हजारों लड़के हर रोज एक्टर बनने आते हैं। एक्टर तो कोई बनता नहीं, कोई स्पॉट बॉय बन जाता है, कोई मेकअप मैन बन जाता है, या फिर कोई गलत धंधे में लग जाता है। देखो मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ, मेरी राय मानो, जिस गांव से आया हूँ वहां लौट जाओ, उसके लिए कोई मदद की जरूरत हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। नहीं सर ये देखो सपना देखना बहुत आसान है, लेकिन उसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। सर आप भी इसी तरह का सपना देख कर आए थे, है ना? बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो अगर टैलेंट के साथ नसीब तुम्हारा साथ देता है तो ये लड़ाई डट कर लड़ो, एक दिन बड़े एक्टर जरूर बन जाओगे। वन डे सी यू इन अ फिल्म, यू द हीरो, आई द विलन, आओ, ऑल द बेस्ट। चलो गाड़ी चलाओ। देखो घबराओ मत प्यारे, मैं कल के फिल्म स्टार पर दाव लगाने के लिए तैयार हूं। देखो मेरी 6 गाड़ियां हैं और एक छोटा सा गैराज,
मैं फिल्म स्टार को मैकेनिक का रोल देने के लिए तैयार हूँ और महीने के पूरे 2000 मिलेंगे और जो फिल्म स्टार बन गया तो मैं लूंगा जो आप चाहें। तुम्हारी पहली पिक्चर की प्रीमियर की 2 टिकट मंजूर मंजूर मिला <वार। laughs> वादा तो कर लिया है आपने। फिल्म स्टार बनने के बाद भूल मत जाना, अक्सर होता है। ओ कुटे जाता है, किधर जाने का? अंदर जाना काट देगा। अरे चल, अरे चल नहीं मुझे। अरे जा, सांगितलं ना तुला। अजीब बात है, जातो की। हां का कोई मतलब ही नहीं है, समझाओ उसे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। बंद कर दो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता यार, कहाँ ये। अच्छा ये क्या लगाया यार, निपटा खत्म कर दे यार, नाइट शिफ्ट तेरे को पता है कि नहीं? वो प्रोड्यूसर उसकी तो मैं चांच हूँ, मेरी जान खा रहा है यार, वहाँ सेट खड़ा हुआ है यार, सिंपल काम है, ज्यादा काम तो है नहीं, पूरा सेट जलेगा और तेरे को आग में कूदना है, ओके? और कल सुबह 9 बजे शार्प 19 माले से तेरे को कूदना है, याद है कि नहीं? वो नाटक कर रहा था, बोला डुप्लीकेट कूदेगा, बोला शैतान, हम खुद कूदेंगे, यानी कि कूदेगा तू, लेकिन मैंने जबान दिया है कचरा नहीं करना, सुबह शार्प 9 बजे। मैं रस्सियों में जकड़ा हुआ हूं। और सुन, अमेरिका से पार्टी आई हुई है, मेरी बात हो गई है और मैं उसको जबान दिया हूं। अप्रैल महीने में अपने को 13 दिन के अंदर 25 शो करने हैं। अब तू मेरा सर खा रहा है। अरे मैं पैसे खा चुका हूँ यार, 25 लाख रुपए की बात है। एक मिनट, तू यार वो चेक साइन कर दे यार, पेन ला इधर। पहले मेरे हाथ बंधे हो तो खोलो। अरे तो खाली ये पकड़, खाली लाइन मारना यार, बाकी मैं संभाल लूंगा। लाइन घसीट। अरे हाथ तो खोल। एक काम कर, तू असिस्टेंट है? हाँ सर। कब से है? 10 साल से सर। ये कितना मुंह खोल रहा है? हाँ सर। रस्सी खोल। जी सर। भाई यहाँ मरा पड़ा, तुझे डेट चाहिए, चेक पे साइन चाहिए। अरे बहुत दिनों से नाटक देख रहा हूँ तेरा, नहीं चाहिए तो गेट लॉस। गेट लॉस? बहुत लॉस में रहेगा अजय तू, बहुत लॉस में। इस कमाल को सिखा रहा है तू? अरे इसी कमाल ने तेरे को स्टंट मैन से हीरो बनाया है, यही कमाल ने, मैंने बनाया है तेरे को। तू क्या स्टार बनाएगा? आई एम अ स्टार ऑन माय ओन। बॉस से तमीज से बात कर। बॉस, बहुत कचरा किया तूने सबके सामने मेरा। अरे भूल गया, 50-50 रुपए लिया करता था मेरे से, भूल गया? उसके बदले चाहे जितना ले ले, लेकिन भौंकना बंद कर। ए गलत पंगा ले रहा है तू। अरे इसी कमाल ने तेरे को इसी स्टूडियो में हीरो बनाया था, जीरो बना के तुझे कैंटीन के सामने बिठा के भीख नहीं मंगवाया और तेरे टक्कर का स्टार नहीं पैदा किया तो नाम कमाल नहीं मेरा, समझा? बॉस बनता है। अच्छा तो मेरे सामने दूसरा स्टार लाके खड़ा करेगा? अरे जा जा, मैं भी देखता हूँ तू मेरे सामने किसको लाके खड़ा करता है। तू चैलेंज कर रहा है? अरे कमाल को चैलेंज कर रहा है मेरे बेटे। ये गेट दिख रहा ना, ये गेट, जो बंदा पहला घुस के आएगा इस गेट से उसी को खड़ा करूंगा तेरे टक्कर में। इस गेट तुम तनक तुम तनक तुम तुम तनक तुम तनक क्या देख रहे हो भाई? भाई बोला इसकी चीज चौप। अरे भाई नहीं, कमाल भाई कहो, कमाल भाई कमाल की चीज है, जिस पे हाथ रखा उसने कमाल का माल कमा लिया, रातों रात स्टार बना दूंगा। स्टार समझते हो? हाँ समझता हूँ, इसीलिए तो मुंबई आया हूँ। बात है, क्या बात है, बात में दम है सर, वाह। यस, जो काम शोहरत नहीं कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। शोहरत नाम भी सही है, वाह वाह वाह, क्या बात है। रहते गाँव
कहीं भी। वैसे सामान वीटी स्टेशन पे पड़ा है। इस कमाल की लाइफ भी कमाल की है, जो भी मिलता है भिखारी मिलता है। ठीक है, आपको अभी हीरो बनाना है, आपके कपड़े सिलाने हैं और आपको साथ में लेकर प्रोड्यूसरों के दफ्तर घुमाना है, और इन सब चीजों के लिए पैसों की जरूरत होती है और वो आपके पास नहीं है। Am I right? Wrong. क्या है कि आप मेरे पहले साइनिंग अमाउंट से पैसे काट लेना और अभी आप दे दो। वाह वाह, क्या स्टाइल है। ये पैसे मांग रहे हो या हफ्ता मांग रहे हो मेरे भाई? मान गए, ये लीजिए इतने ही हैं। और ये रहा मेरा कार्ड, जब भी भूख लगे तो फोन मार लेना। ओके ओके गुरु। गुरु नहीं है, हो जाओ शुरू। विश ऑल द बेस्ट। ओके हाँ, कमाल बोल रहा हूँ। अरे अजय को मारो गोली यार, कमाल ने कमाल कलर। मिले हुए हो क्या? अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे हटना। अरे क्या शू? अरे हटना, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसको। जाना यार। अरे कौन आ गया यार ये? तुम ठीक तो ना? क्या कर रहा है यार ये? कौन थे ये लोग? तुम कौन हो? Why can't you mind your own business? हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तुम कहाँ से आ सकते? देखते नहीं क्या असिस्टेंट लोग क्या है? काम? क्या बात है भाई? शूटिंग चल रही है? नहीं, चलो निकलो यहाँ से। I'm sorry. ना जाने कहाँ कहाँ से आते हैं लोग। Sorry. Production, कोई नहीं आएगा फील्ड में। Fighter, उठो। मेघना, we do one more take. Okay. One more take. डरिए मत सर, ये फिल्म इतनी चलेगी कि इसको उतारने के लिए मिलिट्री बुलानी पड़ेगी। मोबाइल हाथ में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। क्या बात है, थोड़ा कम बोलो, कुछ ज्यादा बोल रहे हो। अरे क्या बात कर रहे हैं सर। अरे यही तो है वो इडियट जिसने रनिंग शॉट में घुसकर अच्छा वाला शॉट खराब कर दिया। इडियट, बड़ा शौक कर रहा था। बेवकूफ इडियट, चीन चौंक में कौन है, कौन है ये? तुम ठीक तो ना? क्या कर रहा है यार ये? कौन थे ये लोग? तुम कौन हो? He's very cute. दिल चाहता है। दम है इस लड़के में। कमाल का दम है सर। दिल चाहता He's है। fantastic. ये तो स्टार है। सर मैं तो कब से कह रहा हूँ, ये तो सुपरस्टार है। कभी पीते चमकीले। इस लड़के को तो फिल्म का हीरो होना चाहिए। मुंह की बात छीन ली सर आपने। ढूंढो उसे। ढूंढने की क्या जरूरत है सर, आप कहें तो बुला के आपके कदमों में गिरा दूं। जानते हो उसे? जानता हूँ। अरे कमाल का काम ही है कमाल के एक्टर को ढूंढना। बच्चा है, गोद में खेला हुआ है, सुसु करता था गोद में। इसके सुसु करने के स्टाइल से ही अंदाजा लगा लिया था कि स्टार बनेगा। जिस दिन ये आएगा ना, जितने खान कपूर कुमार खन्ना है ना, सबको गन्ना खिला देगा सर। बुला लूं? चौरात चौरात। दिल चाहता है, दिल चाहता है। आओ शोहरत, आओ, इनसे मिलिए। केतन देसाई, अपने डायरेक्टर। नमस्ते। और अपनी हीरोइन मेघना। हाय। और विलन मिस्टर काल। ये आपके स्टार शोहरत। कांग्रेचुलेशंस, आज से इस फिल्म के नए हीरो तुम हो। दिल चाहता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। मुबारक हो। चाहता है। सच बोल रही है? तुम्हें सपना लग रहा है? अरे सच है, झूठ लग रहा है। मुबारक हो, मुबारक हो। हेलो। हेलो डैड। हेलो बेटा। एक खबर दूं आपको। सब ठीक तो है ना? डैड मैंने एक बड़ी पिक्चर साइन कर ली है। ओह कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस बेटा, मुझे मालूम था कि तुम कामयाब हो गए। डैड आप खुश है ना? हाँ बेटा,
मैं बहुत खुश हूँ, अब तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। I love you, Dad. I love you too, son. शौरत? हेलो शिवानी, शौरत। शौरत। Guess what? क्या? Guess, guess, guess. तुम्हें नौकरी मिल गई? नहीं नहीं, मैंने अभी अभी एक पिक्चर साइन की है। हीरो के रोल में? सच? हाँ, बहुत बड़ा ब्रेक मिल गया मुझे। खुश हो ना? अरे मेरी जान, हमने जो भी सपने देखे थे वो मैं सब सब सच करने वाला हूँ। जल्दी करो, गेट रेडी। एक मिनट। कम ऑन शौरत, डैडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फिक्स की है। वी आर गेटिंग लेट यार। जी, इनके लिए नए कपड़े भी लेने पड़ेंगे। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। शौरत चलो। बाय। Very good, very good. Daddy, one more take, please. उस take में मेरे बाल ठीक नहीं थे। अरे वो camera इधर। एक take और करना पड़ेगा। क्यों क्या हुआ? वो जो take था। अरे नहीं, उसकी short था। उसमें मेघना के बाल नहीं। कोई जरूरत नहीं। अरे मेरी बात नहीं सुनते हो तुम? एक take और करना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक take और कर लेते हैं। Thank you. कर रहे हैं। जैसे ही वो पानी से निकलेगी। अरे क्या कर रहे हो? शौरत, तुमने मेरी जान बचाई। पिक्चर अधूरी रह जाती तो मेरे करियर का क्या होता? देखने में तुझे कहा दिल मेरा भरता है। घूंट भर लूं मैं तेरा दिल मेरा करता है। देखने में तुझे कहां दिल मेरा भरता है। घूंट भर लूं मैं तेरा दिल मेरा करता है। झूठ नहीं बोलूंगा जी हाँ मैंने पी है। कल तौबा की थी मैंने आज तोड़ दी है। झूठ नहीं बोलूंगा जी हाँ मैंने पी है। कल तौबा की थी मैंने आज तोड़ दी है। बोतल कैसे तोड़ू पीना कैसे छोड़ू। आजा पहले मेरे टूटे दिल छोड़ दे हसीना जोड़ दे। झूठ नहीं बोलूंगा जी हाँ मैंने पी है। कल तबक की थी मैंने आज तोड़ दी है। दिल में आग लगा दो तेरी प्यास बुझा दो। सीख ले मुझसे प्यार में जीना उससे भूल जा दीवानी।
होगी तो जब तक तब मैं दम है बाकी झूठ नहीं बोलूंगा जी हाँ मैंने पी है कल तबा की थी मैंने आज तोड़ दी है करती रहोगी बेटा अब जल्दी करो एक महीने में हमें यहां से जाना है जो भी तैयारियां करनी है ना वो कर लो तो दादी मां हमें क्या करना होगा अब कुछ नहीं करना है किसी को मैं जानती हूं आप लोग ये सब मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूं लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकती शिवानी तुमने मुझे बहुत बर्दाश्त किया है मेरी हर मुश्किल में तुम मेरा सहारा बने हो और मैं तुम्हें दोबारा धोखा नहीं दे सकती चुप करो शिवानी ये क्या बकवास कर रही हो उसे मत रोकिए दादी माँ शिवानी को कहने दीजिए अपने दिल की बात उसे तो हम कभी कुछ कहने ही नहीं देते वैसे भी तुम्हारी बात मैं कभी टाल नहीं पाया नमस्ते और शिवानी तुम जो कुछ भी पाना चाहो गुड लक लगता है हमारे रास्ते इतने आसानी से नहीं मिलने वाले बाय क्या समझ रखा है तुमने अपने आप को हाँ दादी माँ आज मैंने अपने आप को ठीक से समझ लिया है बहुत नाच लिया मैंने कठपुतली बनके आप सबके हाथों कभी माँ की बेबसी पर तो कभी सम्राट के एहसानों पर कभी शौहर की बेवफाई पर तो कभी आपकी मेहरबानियों पर क्या कहा आज से मैं आपको मुझसे कुछ कहने का भी हक नहीं दूंगी शिवानी क्या हो गया है तुझे होश आ गया है माँ जो कुछ मैंने नसीब में लिखा है उसे सुलझाने का फैसला भी मैं खुद करूंगी मैं जानती हूँ माँ तुम मेरे साथ नहीं आ सकती लेकिन मैं जा रही हूँ दम घुट जाएगा मेरा यहाँ पर कितना वेट करवाया तुमने उसे आई टेल यू ऑल यू फिल्म रिपोर्टर्स नेवर ऑन टाइम एनीवे कम सिट मेघना डार्लिंग शौरत तो अभी अभी स्टोरी शूटिंग के लिए निकल गए पर मैं हूँ यहाँ और ये है शौरत का अभी के लिए नया घर ओह विल यू हैव अ ग्लास ऑफ शैंपेन ओह कम ऑन दिस इज नॉट शराब ग्रेप जूस है A glass a day is very good for you. Now? How true? Actually, you can write, Sharad,
और मेघना का नया घर। The super duper home of the super duper stars, शरत, मेघना, the super duper lovebirds. इंटरव्यू बाद में, पहले घर नहीं देखना चाहोगी? यहाँ लिविंग रूम में इटालियन मार्बल होगा, पूरा कमरा व्हाइट होगा और वो होगा हमारा फुल ब्लैक बेडरूम, जहाँ मैं और शौरत साथ मिलकर अपने प्राइवेट मोमेंट्स में सपने देखा करेंगे। नॉटी नॉटी, वेरी नॉटी। आपके साथ एक फोटोग्राफर आने वाला था, वेयर इज ही? आर यू ओके? हेलो स्ट्रेंज क्रेन, कट 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 कट। शौहरत, तुम शॉट को फील नहीं कर रहे हो। आई वांट मोर फीलिंग्स। 500 लोग खड़े हैं, चला रहे हैं, ऐसे में क्या फील होगा? शौहरत, एक काम करो, इमेजिन करो तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे सामने खड़ी है। विल ट्राई वन मोर। ओके, साउंड गो, टेक टू, एक्शन। शिवानी कहाँ जा रही है? क्या कर रही है? शौरत, शौरत कम बैक। शिवानी, शौरत, तुम मुंबई कब आई? कैसे आई? तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम यहाँ हो। बहुत ढूंढा तुम्हें, फोन भी किया था, लेकिन लेकिन मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। नहीं शौरत, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बदल गए हो शौरत, मुझे भूल गए हो। क्या हुआ? ऐसे लड़कियों के पीछे भागेगा तो बन गई इसकी रोमांटिक इमेज। बैक अप। देखो शिवानी, ये घर दिया गया है मुझे रहने के लिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। खुश हुई ना देखकर? घर तो बहुत अच्छा है, पर ये तस्वीरें। ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। ये हमारे फिल्म स्टिल्स हैं, मेघना के साथ फिल्म की हीरोइन। इसी की वजह से मैं आज इस फिल्म में हूँ। बहुत अच्छी है, बच्ची सी है, देख रही है, कपड़े भी छोटे छोटे पहने हैं। ओफो शिवानी, ये मुंबई है, फिल्म इंडस्ट्री है, हाई सोसाइटी है, यही स्टाइल होता है। यहाँ पे सिर्फ हीरोइन ही छोटे कपड़े पहनती हैं या हीरो भी? शिवानी, अब ओल्ड फैशन मत बनो, जरा राजस्थान के बॉर्डर से बाहर आके सोचो। लेकिन पूरे घर में तुम्हारी और उसकी तस्वीरें हैं, मेरी एक भी नहीं है। अपनों की तस्वीरें दीवारों पर नहीं, दिल में होती है शिवानी। एक्सरे निकाल कर दिखाऊं? शौरत, तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? तुम छोड़ने दोगी तब ना? कभी भी नहीं। वो स्वीटी वहां से निकली और अपना लखन उसके पीछे, और स्वीटी पलटी सीधा हाथ कनपटी के नीचे। ए, कुछ भी बोलता है, झूठ बोलता है, क्या बात कर रहा है। चल चल। अरे आहा, क्या फिगर है, मेरा तो जिगर हिल गया। हीरोइन बनने आई लगता है, तब तो अपने हीरो का नंबर लगेगा। जा भाई संभाल। ए, तमीज से बात कर, ये मेरी दोस्त है। अरे माफी मांग, सॉरी। हाँ ठीक है, सॉरी। तुम बताओ क्या करना है। शिवानी, तुम यहाँ क्यों आई, और वो भी ऐसे कपड़े पहन के? तुम्हें सरप्राइज देने। अंदर बैठ में चलो। वाओ, शौरत कहाँ है? शिवानी क्या बताऊं तुम्हें, स्टूडियो में तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन मैं तुम्हारे लिए केक लाई थी। पर केक लाने की क्या जरूरत थी, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, पिकनिक थोड़ी मना रहा हूँ। हाय, ओ संभालो संभालो, फोम लग जाएगा। शौरत, मैं कैसी लग रही हूँ?
बहुत अच्छे लग रहे हो। और देखो मेरा टैटू। वाओ, ब्यूटीफुल। ओह मेघना, दिस इज शिवानी, जयपुर से आई है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इससे कहीं मिल चुकी हूँ, शायद ये रिपोर्टर है ना? नहीं 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 नहीं, ये कोई रिपोर्टर नहीं है, ये मेरी करीबी दोस्त है बस। ओह, मुझे नहीं पता था कि तुम बिजी हो। नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो, बस यूं ही बातें कर रहे थे। इट्स ओके, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, मैं जा रही हूँ। मेघना, अब हो गया ना उसका मूड खराब, कम से कम हेलो तो बोल देती उसे। लगता है आज मैं जो भी कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। मैंने उसका मूड खराब कर दिया और मेरा मूड खराब हो गया उसका कुछ नहीं। मैंने ये कपड़े पहने तो अच्छे नहीं लगे, उसके तो ग्रेट है। मैं तुम्हारे लिए केक लाई, केक अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मुझे लगता है मेरी यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, तुम्हें उसकी मूड की फिक्र ज्यादा है। मैं जा रही हूँ शौरत। अब तुम्हें क्या हो गया शिवानी? अरे जाओ ना, तुम उसे मनाओ, बहुत फिक्र है उसकी। शिवानी कहाँ जा रही हो? और केक भी उसी को खिला देना। शिवानी, लगता है दोनों भाभियों के बीच में फंस गया है अपना भाई। थैंक यू रोहित, तुमने मेरी कितनी मदद की है। पता नहीं तुमने होते तो मैं क्या करती, कहाँ जाती। अरे नहीं शिवानी, ऐसे मत बोलो। इस जिंदगी में एक ही तो सबसे खूबसूरत चीज है, कौन किसे कब मिलता है, कैसे मिलता है, किस वजह से मिलता है, किसी को नहीं पता। और तुम मुझे एक चीज सोच समझ के बताओ, ये मॉडलिंग मॉडलिंग तुम करना चाहती हो या नहीं करना चाहती? आर यू कंफर्टेबल विद इट? आर यू श्योर? बिकॉज इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। जो लोग बोलते हैं कि इस प्रोफेशन में तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो लोग गलत बोलते हैं। देखो अब सूरज चढ़ा भी नहीं है और हम यहाँ आकर मॉडलिंग कर रहे हैं। मैं जानती हूँ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे ये डिजाइन्स देख लो, कल शाम तक क्लाइंट को डिलीवरी देनी। कल शाम तक? इम्पॉसिबल। ओह कम ऑन मीरा, डोंट वरी, मैं भी जागूंगी तुम्हारे साथ। ओके। ये और ये पहले कर लेंगे तो फिर। नाइस ड्रेस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। शिवानी, कल मेरी फिल्म की म्यूजिक रिलीज पार्टी है, तुम्हें आना है मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगी, वैसे भी मेरा फैशन शो है। तो उसे कैंसिल समझो। अरे मेरी पहली फिल्म की म्यूजिक रिलीज पार्टी में तुम नहीं आओगी, ऐसा कैसे हो सकता है? आओगी ना कल? हाय मरिया, ये हाय। हेलो शिवानी, देखो ये तमाशा बंद करो, ये मेरा ऑफिस है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। जाओ यहाँ से, मैं नहीं आने वाली। तुम आओगी? मैं नहीं आऊंगी। जरूर आओगी। अब मैं कभी नहीं आऊंगी। शिवानी प्लीज। शौरत एक मिनट, माफ तो नहीं किया मगर आऊंगी। यस। तो मैं भी कुछ बन सकती हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। वाओ। ओहो, क्या लग रही हो तुम शिवानी? अरे हीरो तो मैं हूँ और स्टार तुम लग रही हो। बस बस बहुत हो गया। शिवानी आज पहला फंक्शन है हमारी फिल्म का, कैसा लग रहा हूँ मैं? बस एक कमी है। क्या? इसकी। मेरे लिए लायो? नहीं, पड़ोसी के लिए लाई हूं। बस ठीक से खड़े रहो, चलो। देखो मेघना, शौरत के लिए ये पहली म्यूजिक रिलीज पार्टी है, तुम उसके आसपास ही रहना। डोंट वरी, बहुत अच्छी लगेगी। एक मिनट, अब अच्छा लग रहा है। हाय शौरत। हाय 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 हाय। हेलो सर, हाउ यू? चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। ये क्या, तुम तैयार नहीं हो? नहीं नहीं, बिल्कुल तैयार हूँ। क्यों?
ये पहन कर जाओगे और ये टाई बिल्कुल मैच नहीं करती। सूट के साथ तो मैच कर रही है। पर मेरे ड्रेस के साथ ये मैच नहीं करती। मैं तुम्हारे लिए एक डिजाइनर सूट लाई हूँ, तुम वही पहनोगे। ओके शौरत, कम क्विकली, गेट रेडी, वी गॉट टू गो। तुम समझने की कोशिश करो। देखो शौरत, ये फिल्मी पार्टी है, सारी निगाहें मेघना और तुम पर होंगी, और होनी भी चाहिए। हाँ। तुम दोनों की रोमांटिक इमेज जो बनानी है। हाँ। मेरे ख्याल से तुम अपनी पर्सनल जिंदगी दूरी रखो तो अच्छा है। तुम समझ रहे हो ना? लेकिन वो शिवानी। मैं शिवानी से बात कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं बात करता हूँ। एक्सलेंट, वेरी गुड। वो क्या शौरत, ये सब करना पड़ता है। मेघना, एक मिनट। शिवानी, क्या है ना कि छोटा सा फिल्म फंक्शन है। हाँ। और वहाँ पे मैं और मेघना तो स्टेज पर रहेंगे, तो तुम भीड़ में अकेली बोर हो जाओगे। किसी को जानती भी नहीं हो ना तुम। शौरत, कहो ना तुम्हें अकेले जाना है। तुम जाओ, मेरी फिक्र छोड़ो। हाँ, पर तुम जाना मत, तुम मेरा इंतजार करना यहीं पर। हाँ, बस यूं गया और यूं आया, और फिर उसके बाद हम दोनों डिनर पे जाएंगे। हाँ, तुम नाराज तो नहीं हो ना? जाओ ना, मैं इंतजार करूंगी। चलो, लेट्स गो। बहुत देर हो गई हम लोग को, पार्टी में सब लोग वेट कर रहे होंगे। एडजस्ट करना है, सब लोग मुझे देख रहे हैं। ओहो, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, तो मेरे पीछे जो भी एडजस्ट कर सकती हो कर लो। और कीप स्माइलिंग। हाँ, थैंक यू। उम्मीद है कि हमारी इस फिल्म का म्यूजिक बहुत हिट हो जाएगा। थैंक यू। शिवानी, शिवानी तैयार हो कि नहीं? देर हो रही है। देर तो बहुत हो चुकी है शौरत, बहुत देर हो चुकी है। अरे शिवानी, क्या कर रही हो तुम? टाई मैच नहीं करती। हाँ, मैच नहीं करती टाई। मैं भी मैच नहीं करती ना तुम्हें, मैं भी मैच नहीं करती हूँ ना। छोटे ने पे लेके उसी को प्यार से खिला रही थी ना, बहुत खाना उसी के हाथ से खाना। क्यों आयो यहाँ पर फिर? पागलों की तरह बैठी हो तैयार होके। बताओ शौरत, तुम्हें शर्म आती है क्या मेरे साथ जाने में? बताओ मुझे, नहीं बताओ मुझे, क्या कमी है मुझ में? हाँ, Look at me and tell me, क्या कमी है मुझ में? इनाफ शिवानी, इनाफ। होश में हो तुम? हाँ, तुम जो समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। दोस्त है मेरी। कितनी करीबी दोस्त है, देख लिया मैंने, नहीं पूरी इंडिया ने देख लिया लाइव टेलीकास्ट टीवी पे। वो प्यार करती है तुमसे। बस संभालो अपने आप को शिवानी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे। क्या सबूत चाहिए तुम्हें? शादी करोगे मुझसे अभी, इसी वक्त, फौरन करोगे? बोलो शौरत। शिवानी प्लीज, मुझे कुछ बन के दिखाना है जिंदगी में। हम दोनों ने फैसला किया था ना कि जब तक मैं कुछ हासिल ना करूं जिंदगी में, हम शादी नहीं करेंगे। भूल गई तुम? भूल गई? और फिर किस बात का डर है तुम्हें? हाँ, जज्बाती मत बनो शिवानी, जरा सोचो, क्या ये सही वक्त है शादी करने के लिए? हाँ, पता नहीं शौरत, तुम दुनिया जीतना चाहते हो
पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। देखो शरद, अगर तुम अपने करियर के लिए हमारी शादी की बात किसी को बताना नहीं चाहो तो मत बताओ। सिर्फ मेरे लिए, हम दोनों के लिए, कम से कम मुझे भरोसा तो हो कि तुम मेरे हो। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो हम कल ही शादी कर लेंगे। हाँ सच, वैसे तुम बहुत खूबसूरत लगती हो गुस्से में। चुप चुप बातें करने लगा तेरे बदन से मेरा बदन, जीने लगा मैं मरने लगा, छू लिया मैंने तेरा बदन, प्यार की आग में जलने लगा, क्या तेरा क्या मेरा बदन, चांद भी छुप गया बादल में, हो गया और अंधेरा बदन, आ मैं छोड़ के ये दुनिया तेरे दिल में समा जाऊं, दूर चला जाऊं सबसे तेरे पास मैं आ जाऊं, टुकड़े टुकड़ियों मत देखो मैं तुमसे शर्मा जाऊं, अपने दिल की धड़कन से तेरा दिल धड़का जाऊं, खुद को रोका बहुत मगर काम न आया कोई जतन। कुछ
मुझे बताए बगैर जा रहे थे। तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी कि तुम्हें जगाने का मन नहीं किया। मुहूर्त 6 बजे का है, पहुंचोगे ना? कुछ इंतजाम करने की जरूरत है? बस चुटकी भर सिंदूर ले आना। शादी इसकी तो मैं गुड आइडिया, रोमांटिक आइडिया। आई एम वेरी हैप्पी। क्या है कि हमें 2 साल रुकना पड़ेगा क्योंकि मेघना अभी 18 साल की नहीं हुई है। कहीं पुलिस पकड़ न ले, वैसे ये फिल्म वाले जेल में ज्यादा स्टूडियो में कम नजर आ रहे हैं। मेघना के नहीं, कमाल शिवानी की बात कर रहा हूँ। शिवानी देख 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 बचपना मत कर। मेघना और तेरी जोड़ी इतनी पॉपुलर हो गई है, अगर कोई शिवानी के बारे में सुन लेगा ना पूरा लफड़ा हो जाएगा। ये लड़कियां जितनी तेरी फैन है ना सब नाराज हो जाएंगी। देख मैं तेरे को बोल रहा हूँ, पूरा करियर पूरी जिंदगी तेरे सामने पड़ी हुई है। क्यों काम काज की यूं यूं कर रहा है मेरे भाई? कितने ऑफर्स आ रहे हैं फिल्मों के मालूम है ना? अरे करोड़ों हिंदुस्तानियों में 2-4 होंगे तुझ जैसे नसीब वाले। अरे बाबा अभी तो मैं सिर्फ सीक्रेट मैरिज कर रहा हूँ, चुपचाप मंदिर में किसी को पता नहीं चलेगा। असली शादी तो बाद में होगी ना, जयपुर में दुनिया वालों के सामने। और आजकल जितने भी टॉप स्टार्स हैं सब शादीशुदा है कि नहीं? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। तू कमाल की मेहनत शादी में मिला देगा, मेरा मतलब मिट्टी में मिला देगा। After all, I am just a secretary, no? कर ले, शादी कर ले, 5-6 बच्चे भी पैदा कर ले। और बीवी को लेकर निकलना, प्रेग्नेंट बीवी को याँ 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 याँ, सब कहेंगे देखो स्टार आ रहा है, साथ में साइड कार आ रही है। अरे बाबा मेरी बात तो सुनो, बैठो इधर बैठो प्लीज। ये शादी मैं शिवानी की तसल्ली के लिए कर रहा हूँ। दुनिया की तरह उसे भी लगता है कि मेघना के साथ मेरा कुछ चक्कर है, पर ऐसा है नहीं, तू तो जानता है। हेलो माँ, तुम आज पहुँच रही हो ना? नहीं मैं नहीं आ सकती शिवानी। माँ क्या तुम मुझसे नाराज हो जो मेरी शादी में नहीं आ रही हो? नाराजगी की कोई बात नहीं है शिवानी, लेकिन ये किस तरह तुमने सब कुछ तय कर लिया? किसी पंडित से कुछ मुहूर्त शगुन निकाला कि नहीं? आगे पीछे कुछ भी देखे बिना? माँ यहाँ का तो हाल तुझे मालूम ही है, तेरी दादी की तबीयत कितनी खराब हो गई है, मैं उन्हें यहाँ अकेले। माँ मैं और इंतजार नहीं करना चाहती। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसी जल्दबाजी में शादी? तो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना शिवानी? नहीं नहीं माँ घबराओ मत, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ क्या आप में प्यार को पाना गुनाह है? आज मेरा सबसे खूबसूरत सपना पूरा होने वाला है। हाय, मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। दुख तो सिर्फ इस बात का है माँ कि तुम यहाँ नहीं हो। पर बेटा। माँ मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। हाँ और हो सके तो दादी माँ का भी। मुझे बहुत जरूरी काम है, 1 घंटे में मुंबई पहुंचना है। तुम वही कपड़े बदल लेना। अच्छा ठीक है, चलो कम। हटो हटो दुल्हन की सवारी आ रही है। वाओ कितनी खूबसूरत लग रही हो शिवानी, मेरी नजर न लग जाए। रहने दो, तुम भी तो सबसे नजर बिछा बैठे हो। हाँ लेकिन इनकी नजर तो नहीं पड़ी ना हम पर। सच बहुत नसीब वाला है ये शौहरत, he's very lucky। तुम तो इन फूलों के गहनों में भी बहुत प्यारी लगती हो। सच? पता है कई बार तो तुम्हें दुल्हन के रूप में मेरे दिल ने देखा है, लेकिन हर बार हीरे और सोने के गहनों में सजे हुए। मुझे भी एक बुटीक की ओपनिंग सेरेमनी करनी है, मेरे साथ आओगे? साल की बेस्ट पार्टी। तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मुझे बहुत ही खास पार्टी में जाना है, मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है। तो मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। तुम नहीं समझी मेघना, तुम आज मेरे साथ नहीं आ सकती, तुम अपनी बुटीक की ओपनिंग सेरेमनी करो, हम कल मिलेंगे। हीरे और सोने में खुशबू कहाँ होती, खुशबू तो इन फूलों में है। मगर ये बात तुम कहाँ समझोगे सम्राट? How are you beautiful? मैं ठीक हूँ। वैसे तुमने एक बात सही कही, शौहरत है तो बड़े नसीब वाले। बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हें वो बहुत बहुत खुश रखे। अरे क्या हो रहा है भाई साहब, आधा घंटा हो गया आप अंदर कर क्या रहे हैं? हो रहा है ना साहब, थोड़ा टाइम जाएगा। टाइम? मेरे पास टाइम नहीं है, समझे? टाइम नहीं है मेरे पास। और कितनी देर लगेगी दूल्हे को आने में? मुझे आज और 2 शादियां करानी है। पंडित जी अच्छा मैं अपने असिस्टेंट को वहाँ भेज देता हूँ। रिलैक्स शौहरत, इट्स ओके। सब खत्म हो जाएगा मेघना, आज नहीं पहुँचा तो। इट्स ओके रिलैक्स। शिवानी शादी आज ही के दिन है ना, वो आ रहा है ना?
मजाक नहीं, शिवानी का होने वाला पति है वो। डायरेक्ट हनीमून पे तो नहीं पहुंचेगा। उसने कहा था कुछ अर्जेंट शूटिंग निकल आई है, कैसे भी करके पहुंच जाऊंगा। अच्छा, क्या कब आएगा वो? कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ होगा ना? शिवानी, आखिर तुम एक फिल्म स्टार से शादी कर रही हो, इससे तो ज्यादा सब्र होनी चाहिए तुम्हें। भरोसा तो है ना अपने प्यार पर? मुझे बहुत ठंड लग रही है शौरत। क्या मजाक है, खुद की शादी के दिन ऐसी हरकत। अच्छा विकी, मेरी बात सुनो, जल्दी से, जैसे जैसे भी हो तुम, नहीं सुनो मेरी बात, तुम उसे ढूंढ कर लाओ, मुझे मुझे पता करना है कि वो कहाँ है। वो आएगा, आएगा जरूर, तुम्हें जाना है तो जाओ। बाय सम्राट। शौरत, क्या हुआ शौरत को? बिल्कुल ठीक है वो, आओ चलो मेरे साथ। शौरत, शादी का मुहूर्त 12 घंटे पहले का था, लगता है तुम जरा सा लेट हो गए हो, शायद बिजी हो गए। शिवानी कहाँ है? अपने हनीमून पर गई है। क्या हो गया तुम लोगों को, दिमाग खराब हो गया? शिवानी कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। वो बात नहीं करेगी तुमसे, बात खत्म हो गई है शौरत, तुमने बहुत देर कर... शिवानी ये यहाँ क्यों, तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? हमारी कल शादी होने वाली थी शौरत, इतनी मुसीबतों के बाद हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और खुशी का दिन, तुम तो आए ही नहीं, और मुझे ये समझाने के बजाय यहाँ पे मेरे घर में खड़े होकर मुझसे पूछ रहे हो कि सम्राट यहाँ पर क्या कर रहा है। पर मैं तुम्हें यही बताने वाला था कि मैं यहाँ क्यों नहीं आ सका। नहीं शौरत, मुझे कुछ नहीं सुना है, तुम्हारे झूठ, तुम्हारे बहाने, तुम्हारा तो कभी इरादा ही नहीं था मुझसे शादी करने का, और अगर यही बात थी तो ससा कह देते मुझसे। हाँ, क्यों इस तरह सबके सामने बेइज्जत किया, क्या मिला तुम्हें इससे शौरत, बोलो। तुम्हारे से जी भर गया था मुझसे, पर मैं भी तुम्हारे पीछे भागना नहीं चाहती हूँ, कोई जरूरत नहीं है मुझे, किसी को मैंने ये हक नहीं दिया कि इस तरह मुझसे बर्ताव कर सके। मैं ही तुम्हें आजाद करती हूँ, आज से ना मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, ना तुम्हारी कोई बात सुनना चाहती हूँ, बस जाओ शिवानी, शांत हो जाओ प्लीज। किस बात लगा रहा है, किस पर हक जता रहे हो तुम? मैं ना तो तुम्हारी कोई भूली हुई अमानत हूँ, ना तुम्हारी फिल्म की हीरोइन जिस पर तुम रॉक जमा सको। जाओ शौरत और वापस मत आना। शिवानी प्लीज, कल जो कुछ भी हुआ मुझे समझाने दो। तो शिवानी दरवाजा खोलो, शिवानी ये क्या बचपना है, मुझे बात करने का मौका तो दो। देखो शिवानी, इस बात को आगे मत बढ़ाओ, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। शिवानी मैं आखिरी बार कह रहा हूं, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। खोलो। शौरत जी, औरत है प्लीज। एक्सक्यूज मी शौरत जी, टेक 46 एक्शन। काल ये लो तुम्हारी आवाज, ये लो तुम्हारे पैसे यार, सॉरी मेकअप। हाँ। एक मिनट जरा, एक मिनट, मेरे से नहीं हो रहा है सर। एक मिनट, कुछ बात कर लो। शौरत, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, इतना तो हक है कि मैं तुम्हें कुछ कह सकूं। कल रात को ज्यादा पी ली क्या? तुम चाहो तो मैं आज पैकअप कर सकता हूं, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने अच्छा नहीं लगता। शौहरत याद रखना, जिस इंडस्ट्री ने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाया है ना, वही इंडस्ट्री बेरहमी से तुम्हें नीचे तक गिरा भी सकती है, याद रखना। अच्छा केतन, मुझे इस इंडस्ट्री से कुछ नहीं चाहिए, समझे? शौहरत, शौहरत क्या करो, छोड़ो शौहरत, क्या बचपना है।
नीचे उतारो उसे। क्या हो गया तुम्हें? हाँ मुझसे दूर क्यों भाग रही हो तुम? मुझे एक मौका नहीं दोगी? एक बार सुन तो लो उस दिन क्या हुआ था। जानबूझकर तो मैंने कुछ नहीं किया। क्या वजह थी ना आने की? एक बार तुम्हें सुनना होगा शिवानी। हाँ सुनना है मुझे। क्या हुआ था शौरत तुम्हें? ये क्या पहना है तुमने? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ बच्चू मुझे स्टॉप इट शौरत। काम कर रही हूँ मैं अपना यहाँ। इस तरह यहाँ आके मेरी इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है तुम्हें। हक है तुम्हें छूने का और यहाँ चले आने का हक है मुझे। पहले जरा अपने आप को ढक कर आओ फिर बातें करेंगे। कोई जरूरत नहीं है बात करने की। और तुम मेरे कपड़ों के बारे में बात कर रहे हो तो पहले अपना कैरेक्टर देखो कितना गिरा हुआ है। ची शिवानी मत छुओ मुझे। बहुत हो चुका। तुम वो शिवानी नहीं रही, कोई और हो। सब खत्म हो चुका है। अब हमारे जिंदगी के रास्ते अलग हैं। जानती हो ना मेरी फिल्म का प्रीमियर है आज। सब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, कहते हैं कि मैंने काम भी अच्छा किया है। सब तारीफ कर रहे हैं मेरी। तुम तो जानते हो शौरत, मुझे तो कभी शक ही नहीं था कि तुम कामयाब नहीं होगे। Wish you all the best। नाराज हो तुम मुझसे? हाँ शिवानी हमने इस दिन के सपने देखे हैं। यकीन नहीं आ रहा कि ये सब सच हो रहा है। मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही है। हमारे बीच बहुत कुछ हो चुका है शौरत, मैं वो सब सह नहीं सकती। मुझे भूल जाओ। और वैसे भी इस वक्त तुम्हारे साथ बहुत लोग होंगे। अरे होंगे बहुत लोग, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ शिवानी। तुम जाओ। ठीक है मैम सर। मेघना तुम अब तक गई नहीं? ना होश में आओ। नहीं
सॉरी। क्या तुम मुझे नहीं चाहते? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं मेघना, नहीं। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें पसंद ना करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझसे ऐसी गलती हो गई। मेघना, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह से तुम समझ रही हो वैसे नहीं। तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें तुम्हें पता नहीं प्यार क्या होता है। लेकिन हमारी दोस्ती बहुत गहरी है मेघना, और हमेशा रहेगी। हेलो, हाँ शिवानी को फोन दो, शिवानी को फोन दो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जाम उन लव बर्ड्स, सुपर डुपर लव बर्ड्स के नाम। शौरभ, विल यू हैव अ ड्रिंक? ये शराब नहीं, ग्रेप जूस है। मालूम है शौरभ, मुझे ब्लैक बेडरूम बहुत पसंद है। शौरभ उठो, वेक अप, चलो ना। ठीक है सर, चलो ना, चलते हैं, चलो। ए, क्या बात है? चलो, कुछ नहीं, कम ऑन, चलते हैं। कम ऑन, लेट्स डांस। शिवानी, हाय। हाय, आज तुम शूटिंग कर रही हो क्या? नहीं, मैंने मॉडलिंग छोड़ दिया, मैं वापस जा रही हूँ। रोहित के कपड़े मंगाए थे ना शूटिंग के लिए, वही लेके आई हूँ। ओके, बाय। वन मिनट, पांच मिनट ब्रेक। आई थिंक वो दो तीन और है ना नीचे, वो इनको दिखा दो आप। यू जस्ट चेक व्हाटएवर यू वांट। ओके, बाय। शिवानी, हाँ, तुम शौरभ से मिल क्यों नहीं रही हो? उसे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैं कुछ करूँ ना करूँ, तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? मैं उसकी कोस्टार हूँ, उसकी फ्रेंड हूँ। उसे पागल होते हुए, उसके दिमाग को फिरते हुए देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे पूरा हक है पूछने का। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम उससे प्यार करती हो? हाँ करती हूँ, उसकी खुशी मेरी खुशी है, और वो सिर्फ तुम्हारा प्यार पाकर खुश रह सकता है। ओह, तो तुम अपने प्यार की बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही हो। शौरत इस पूरी दुनिया में मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं जानती हूँ वो तुम्हें कितना प्यार करता है। मेघना, तुमने सिर्फ पर्दे पर प्यार की बातें की हैं, लेकिन मैंने प्यार किया है। नजर लगे हमारे प्यार को तुम्हारी फिल्मी दुनिया की। अब तो बहुत देर हो चुकी है, उसके हरकत से लगता है वो मुझे भूल गया है। तो क्या मैं भी उसे भूल सकती हूँ? भूल सकती हूँ मैं भी?
शिवानी, 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 क्या शोर मचा रखा है? शिवानी, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, देखो कितना ऊपर खड़ा हूं मैं, नीचे उतरना है मुझे। तो रोक कौन रहा है, उतर जाओ। शिवानी, बस तुम कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ शिवानी। ओ, तो मैं खुले आम कह दूं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ सबके सामने, तो फिर तुम्हारी चहेती गर्लफ्रेंड का क्या होगा? उसके साथ तुम्हारी रोमांटिक इमेज, तुम्हारा करियर और तुम्हारे फैंस, उन सब का क्या होगा शौहरत? कितनी बार मैं तुम्हें कहता आ रहा हूँ कि मेघना मेरी फ्रेंड है, हमारे बीच दोस्ती के सिवा कुछ भी नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश करो शिवानी, प्लीज हेल्प मी, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। ऊपर ऊंचाई पर चढ़ते हुए डर नहीं लगा था, या होश नहीं था कि कितने लोगों को चोट पहुंचा रहे हो? मेघना को बुला लो, तुम्हारी फ्रेंड को। मैं जा रही हूँ तुमसे और तुम्हारे इस ड्रामा से दूर। मैं तो इस शहर में भी नहीं रहना चाहती जहाँ पे तुम रहते हो। जरा नीचे देखो शिवानी, कितनी भीड़ इकट्ठा हुई है, टीवी वाले, प्रेस वाले, रिपोर्टर सब देख रहे हैं, और सब तुम पर है कि तुम इन्हें अपनी कहानी में हैप्पी एंडिंग दिखाओगी या सैड। मेरे लिए नहीं तो कम से कम इनके लिए तो हाँ कह दो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। शिवानी, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। जो भी करना है जल्दी करो, मेरे पैर कांपने शुरू हो गए हैं। कितनी आसानी से झूठ बोल सकते हो तुम, कूद जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कूद जाओ। वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम कूदोगे नहीं, खुलेआम कोई बहादुरी का काम तो तुम कर ही नहीं सकते, कूद जाओ, जाओ। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं, अगर जिंदगी तुम्हारे बिना जीना है तो मुझे जीना ही नहीं। मैं जा रहा हूं, बाय, आई लव यू। चिन नहीं, सिंदूर है। तुमने कहा था ना, मुझे लेके आना पड़ेगा। बहुत गिर गया है, इतने से काम चलेगा? मिस्टर शौहरत, क्या है किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है? नहीं, मैं ऊपर बिल्डिंग से कूद रहा था। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, कितने बड़े स्टार हैं आप, इस देश की कितनी लड़कियां आप पर मरती हैं, ये कौन है? ये मेरी जिंदगी है, इसके बगैर मैं कुछ भी नहीं, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और इसे बहुत दुख पहुंचा है मुझे। सिर्फ अगर ये मुझे माफ कर दे और मुझे अपना ले तभी कोई मतलब है जीने का। शिवानी, मुझसे शादी करोगे? बैंड बाजा और कैसे बाराती, मैं और तू हम है बेबे जन्मों के साथी, आंखों में बस जा मेरे दिल में समा जा, लव यू हमेशा मेरे बाहों में आ जा। ये कैसे हो जाता है, ये ना जाने कब हो जाता है, ये सबको हो जाता है, में बस जा मेरे दिल में समा जा, लव यू हमेशा मेरे बाहों में आ जा।